पुकार को सुन लिया। अब रोने क्या बात है, मंत्र अब रोने से घमंड जो है टूट जाता है कि हम इतना देर से वो तो बात। कैसे हो आप सब, आई होप अच्छे ही होंगे और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आप सबको बड़ी ही खुशी की बात कहना चाहेंगे और आज इस समय हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। जैसे आरती के परिवार वाले खुश हैं ऐसी हम खुश हैं आरती आपकी खुशी से, क्योंकि आरती के और जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि छोटू के जिन लोगों ने जिन्होंने बेरहमी से उसकी इस तरह से हालत कर दी थी, जो आज हमारे बीच में छोटू नहीं है, जिनकी वजह से आज उन गुनहगारों को 8 साल की और मतलब कि 8 लोगों को मिली है उम्र कैद की सजा, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज इतने सालों बाद 2 साल बाद आज छोटू को इंसाफ मिला है, तो हम सब आरती और आरती के परिवार वालों को सपोर्ट करते हैं जो उन्होंने दम लगा के और अपनी मेहनत से इस केस को आगे पहुंचाया। डरे नहीं कभी किसी से और हमारी आरती कभी किसी से नहीं डरी, पर इसके बावजूद भी दोस्तों कितने लोग आरती पर गलत आरोप उठा रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि आरती किसी तीसरे बंदे से प्यार करती है, तो ऐसी बातें नहीं है। और वीडियो में नहीं पसंद आए तो आरती के परिवार वाले किस तरह से बातें कर रहे हैं ये आप लोग देख सकते हो, किस तरह से आरती की वजह से आज छोटू को सबको जो है उम्र कैद की सजा। परमात्मा हमारा पुकार को सुन लिया। अब रोने क्या बात है, मत रोइए। अब रोने से घमंड जो है टूट जाता है कि हम इतना देर। अरे वो तो बात छोड़िए, लेकिन हमको देख देख करके कोर्ट में हंसता था, नीलकाई मारता था, उंगली दिखा दिखा के बोलते थे। लेकिन सही विनती है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को देखते हुए अपने दिमाग में सोचिएगा, गलत कोई कदम नहीं उठाइएगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे आप सब, आप सबका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों अभी देखिए सारे आदमी यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप लोग से यहाँ पे बैठे हुए जी, और आप लोग से कुछ शेयर करना चाहते हैं दोस्तों, कुछ ऐसी बातें कि जो आप लोग अभी तक शेयर नहीं कर रहे थे, आप लोग को बहुत दिन से इंतजार कर रहे होंगे आप लोग, और आप लोग को हम लोग बताते भी थे कि आने वाले समय में जरूर आप लोग बताएंगे, क्योंकि जिस मकसद से हम लोग एक चैनल खोले हैं और जो चीज हुआ था हम लोग के साथ, वो चीज हम लोग के साथ पूरा नहीं हुआ था, वही चीज आप लोग से शेयर करने वाले हैं दोस्तों। और ऐसा कौन सा बात है कुछ दिन के लिए अच्छे रह सकते हैं, बाद में फिर उसका वही हाल होगा जो होने वाला रहेगा। हम लोग सब दिन सच्चाई पे चले, भले 1 रुपया रहे, भले कुछ भी रहे, नहीं खाने के लिए भी रहता ना, फिर भी हम लोग खुश रहते हैं और सच्चाई जो भी हम लोग के साथ बीतता है वही आप लोग से शेयर करते हैं। इसलिए आदमी को कुछ भी हो जाए कभी भी कोई चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए, और झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसान को। क्या अपने बाप को बोल रहे हैं, सब लोग बोलते हैं अपने बाप को भेज दिया जेल, इनको दर्द नहीं होता है? हमें सब चीज का दर्द है, इतना बड़ा दर्द है यही जानते। तो देख ही सकते हो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया किस तरह से आरती और पूरे परिवार ने मिलकर आज इंसाफ पाया, तो पूरा परिवार आप सबको धन्यवाद बोलता है और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसे नई नई अपडेट हम सब आपको वीडियो जरूर बनाते हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकें।